आपने जो है वो लीग और रेगुलर फुटबॉल की बात की थी, तो आपके ख्याल में, क्योंकि आई थिंक यू आर वन ऑफ द नेशनल टीम कोचेस, स्टीवन कॉन्स्टेंट से मैं इंटरव्यू कराता तो मैं उनसे भी ये पूछता, क्योंकि आपका इतना लिंक है इस चीज के साथ कि पाकिस्तान में रेगुलर फुटबॉल हो, तो आई एम श्योर आपने PFF वालों से एटलीस्ट बात की होगी कि यार रेगुलर फुटबॉल कराओ, क्या सिचुएशन है हमारे, इतनी ज्यादा कंस्ट्रेंट इस साइड से एक आ रही है वो खत्म हो जाए तो बेहतरीन हो जाएगा, हमारा आधा काम जो है वो आसान हो जाएगा। तो इज देयर एनी न्यूज ऑन दैट, व्हाट कैन यू टेल अस कि लीग और रेगुलर फुटबॉल, आई मीन चैलेंज कब हुआ था, बट यू नो व्हाट आई मीन, लाइक अ लीग सिस्टम, कुछ कुछ भी हो जिसमें बेशक डिपार्टमेंट ही खेलना शुरू हो जाए, कुछ तो हो। देखिए डिपार्टमेंट्स तो खेल रहे हैं नेशनल चैलेंज कप. आई डोंट थिंक हम लोग को वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम द डिपार्टमेंट सिस्टम व्हिच इज आई थिंक व्हाट द विजन इज कि यार हम लोग हाउ डू वी गेट अवे फ्रॉम द डिपार्टमेंट सिस्टम वेदर दे बिकम इनटू फुटबॉल क्लब्स लेटर और नॉट आई डोंट नो अबाउट व्हाट दैट इज बट दे हैव टू गेट आउट ऑफ इट. देन यू हैड डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप्स अक्रॉस पाकिस्तान इन क्वाइट अ फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स अभी हुई हुई PF कनेक्ट के थ्रू देव डन लॉट ऑफ स्क्रूटनी देव डन मैचेज देव डन चैंपियनशिप्स एंड उस चैंपियनशिप्स के अंदर से एक और राउंड होगा उसके बाद एक और राउंड होगा एंड देन द टॉप विल प्ले द लीग. इट्स अगेन लॉन्ग टर्म सिस्टम टू गेट द क्लब्स प्लेइंग अगेन. आर क्लब्स टूडे के नॉट जस्ट शो अप एंड प्ले बिकॉज दे वन दे आर नॉट वेरी कैश रिच क्लब्स के यार मैं यहाँ से जाके इस्लामाबाद होम एंड अवे लेग्स खेलूँ लाहौर में खेलूँ जाके मैं चमन जाऊँ और मैच खेलूँ जाके वापस आऊँ. वी के नॉट हैव अ 8 month लॉन्ग लीग वेयर वी आर गोइंग बैक एंड फोर्थ बिकॉज वी आर क्लब्स आर नॉट स्ट्रक्चर्ड दैट वे एट ऑल. हमारे क्लब्स क्या हैं आज हमारे क्लब्स हैं कि गली इस गली में एक क्लब है दूसरी गली में दूसरा क्लब है. दैट्स व्हाट क्लब्स आर इन पाकिस्तान एट द मोमेंट. डज दैट नन ऑफ आवर क्लब्स आर इवन AFC लाइसेंस्ड यू नो वो तो करी थी नहीं है किसी। तो आप क्लब क्लब लीग कराने जाएंगे इट विल हैव टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. यू हैव टू गो थ्रू डिस्ट्रिक्ट लेवल रीजनल लेवल एंड देन कम अप विद अ सिस्टम वेयर यू कैन एक्चुअली हेल्प द क्लब्स एज वेल इन गेटिंग यू नो अक्वायरिंग द रिसोर्सेज टू डू what they have to do to play a proper league. But yes, again, there's another way to do it is to get 20 clubs together and they say, you know what, we are doing this and we are going to ask PFF to run this league. That's another way to do it. Then there's a franchise model, which we have seen successfully that has been, you know, it's been unsuccessful in many parts of the world. It hasn't gone through. Jis tarah, I think aapki aur Ali Hassan ki baat bhi, you know, I heard that interview. It's correct. It's not been successful. तो उसके आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स निकाल सकते हैं बट अगेन PFF में ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हाउ वी वांट टू बिल्ड दैट लीग. सो इट विल टेक टाइम एंड हैज टू बी मेरिट बेस्ड इट हैज टू कम थ्रू द इट हैज टू कम बॉटम अप एंड वो फिर उस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है. इट कैन नॉट हैपन कि ओवर नाइट कि हम आज लीग स्टार्ट कर देते हैं इन इन द हाँ एज कोचेज आई वॉन्ट अ लीग टुमारो आई वॉन्ट अ लीग टुमारो आई वॉन्ट टू सी प्लेयर्स प्लेइंग आई वॉन्ट टू सी our women's team playing. I want to see under 20 leagues happening. I want to see youth leagues happening across Pakistan. Why do we not have youth leagues happening? Hamari under 12s kaan khelenge, under 14s, 16s, 18s, 20s kaan khel rahe. So those that system comes, you know, with time. But that's what should be happening if you ask me as a coach. But as a technical person in the PFF, it's a tough ball to crack, you know, it's a tough nut to crack. So it's not easy. आई टेक योर पॉइंट 100%, लेकिन उसके अंदर मैं ये कहूँगा कि आपने ऑब्वियसली मेन जो चीज़ बताई है वो यही है कि आप एक पिरामिड के तहत पहले डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप्स कराओ, फिर उसके ऊपर से रीजनल, और फिर उनको जो है नेशनल लेवल पे लेके आओ। और पूरी दुनिया में आई गेस इसी तरह होता है कि जैसे मैं जर्मनी में हूँ तो जर्मनी के अंदर ऑब्वियसली फर्स्ट थ्री लीग्स जो हैं वो नेशनल लेवल की हैं, फिर जो फोर्थ डिवीजन में आपका नॉर्थ और साउथ की डिवीजन आ जाती है, फिर उसके बाद फिफ्थ में आपके उसके हिसाब से आते हैं प्रोविंसेस या स्टेट्स को आप कह लें, और उसके अंदर फिर 6, 7, 8 के अंदर उसको भी आप और डिवाइड कर देते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो वो बहुत ज्यादा डिवीजन शाखें हैं। और ऑब्वियसली फुटबॉल क्लब्स एक वहां पे यहां पे बना हुआ है सिस्टम जिसके अंदर कल्चर है प्रोमोशन रेलिगेशन का, तो आई टेक योर पॉइंट कि उसी तरह एक ग्रास रूट पिरामिड बनना चाहिए। और ये वन ऑफ द रीजंस है कि फ्रेंचाइज लीग के जो मुखालिफ हैं वो इसी चीज को बोलते हैं फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव। लेकिन उसके अलावा अगर इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद यू, मुझे खुद पर्सनली भी पता है कि वो डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप्स जो हैं वो मेनली इलेक्शंस की स्क्रूटनी के लिए ही हो रही हैं, दे आर नॉट बीइंग डन फ्रॉम अ फुटबॉल पर्सपेक्टिव, क्योंकि आई गेस 10-10 मिनट के हाफ भी हुए हैं। आई नो पर्सनली कि 10 मिनट का हाफ कुछ मैचेस में हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं एक क्लब को जानता हूँ जिसने 10 मिनट का मैच खेला था। तो आई थिंक वो मेनली फोकस जो है राइटली सो NC का जो है वो इलेक्शंस अब कराने की तरफ है, और वो उसकी तरफ फोकस कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट आप वो ही कर सकते थे कि 12-15 टीमों को इकट्ठा कर लें, और हमें इसलिए पता है कि वो आई गेस अगर बिल्कुल उसके बारे में थोड़ा फिलोसॉफिकल हो जाए तो यू आर नॉट कम्प्लीटली श्योर इफ इट्स मेरिट बेस्ड, बट
यू नो कि ये 10-15 क्लब पहले खेले हुए हैं, कराची यूनाइटेड, हुमा एफ सी, अफगान एफ सी चमन, मुस्लिम एफ सी चमन, बलियालपुर, इन सारे क्लब्स को आप पकड़ लें, कुछ डिपार्टमेंट्स को कह दें यार इस क्लब्स आ जाओ अगर आना है, ऐसे गार्डन है फॉर एग्जाम्पल, तो आप 10 10 क्लब्स की एटलीस्ट लीग एक जगह करा सकते हो, 1-2 महीने की आप करा दो लीग, वट एवर, शुरू तो करो इस तरह, जो नॉकआउट फुटबॉल ना हो, जिसमें होम एंड अवे, टेक्निकली होम एंड अवे हो, और उधर से फिर यू जस्ट गेट द बॉल रोलिंग, बिकॉज आई थिंक वही आपकी बात है, अगर उसको एक सिस्टम खड़ा करना है तो टाइम लगेगा, और आई डोंट थिंक फ्रेंकली को एनसी के पास इतना टाइम भी है करने का, ना उनकी वो है मैंडेट के वो सब कुछ करें, तो शॉर्ट टर्म में डोंट यू थिंक इट वुड बी बेटर के गेट द क्लब्स दैट हैव ऑलरेडी प्लेड, द प्लेयर्स हु आर द मेन प्लेयर्स हु विल बी अफेक्टेड इन द नेशनल टीम, वो ऑलरेडी उन्हीं क्लब्स में खेल रहे हैं, नहीं तो वो आ जाएंगे उन क्लब्स के अंदर, तो एक तरह से आपके नेशनल टीम प्लेयर्स जो है वो रिदम में रहेंगे, और इट विल बी इजियर फॉर यू एंड कॉन्स्टेंटीन बेसिकली. Yeah, I think that's one way to definitely to go about. I think there's, I mean, for example, Premier League was formed exactly like that with the top five clubs or whatever it was. I think they got together and they decided to go to FA and said, we are going to do this and do you want to be part of this? And they said yes. So that's one way to do it also. उसके अंदर सिर्फ ये कि फिर आपके पास जो 1,000 और क्लब्स हैं वो हो थिंक थोड़े से ज़्यादा they will kind of lose the plot as well because they'll be like yaar ye kyun, why are these clubs selected, what is the reason for them, why are they the ones, aap unko phir aap kya reasoning denge. Then the next issue is that even if it's like a Karachi United or you know jo aapke you know who are established clubs for a very long time, I don't think they have those that kind of funding to go back and forth for 3 months straight, pay their players, treat them like you know like what you do properly. So has to be thought through. It cannot be maybe chalo Karachi United kar lega tum, magar can the other people do it, can someone else do it? So we have to keep all of those things in mind. It's not a easy solution where we just say yaar let's go. I think ek match ka kharcha agar aap mujhe mere se puche what do you think would be a ek match ka kharcha for example for Karachi United to go play in Chaman. I actually knew, but this is before के पाकिस्तान की कौन है, बहुत बात की बात कर रहे हैं, I'm not saying you're talking about like I don't remember exactly. I think काफी ऊपर वो था, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ आ जाता है, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, पानी, खर्चा, लॉन्ड्री, people don't even know क्या क्या कॉस्ट आ जाती है उसके अंदर, तो it's a pretty big number. It's a high cost, and then you know you talk about कि how do they make money, how do the clubs make money. तो क्या गेट मनी से पैसे बनाएंगे, टी शर्ट सेल से पैसे बनाएंगे, किसी से पैसे, स्पॉन्सरशिप्स तो आ जाएंगी, सही है, यू नो गुड गुड पीपल लाइक यू नो कराची यूनाइटेड और समवन एल्स कैन गेट दो स्पॉन्सरशिप्स, बट कैन द रेस्ट ऑफ देम गेट द स्पॉन्सरशिप्स और नॉट. सो देयर इज गोना बी अ ह्यूज डिसबैलेंस इन दैट के मगर मैं आई एम अ रियली गुड क्लब एंड आई हैव द फंडिंग एंड आई हैव गॉट द रिसोर्सेज, देन आई विल गेट ऑल द बेस्ट नेशनल टीम प्लेयर्स, यार आई विल प्ले फॉर, दे विल ऑल प्ले फॉर मी और व्हाटएवर, द बेस्ट टीम, बेस्ट प्लेयर्स इन पाकिस्तान विल प्ले फॉर मी. The rest will are going to sit, and then again becomes counterproductive. So these are the things. Hey, there's quite a few things, but that is one solution that I think that is the closest one that you can start immediately with. Yeah, absolutely. मैं आपके काफी पॉइंट से भी एग्री करता हूँ. वो अगेन वो बात वही आ जाती है कि पाकिस्तान फुटबॉल में इतने कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड इश्यूज हैं कि बंदा कहीं से शुरू करे तो वो 10 और मसले निकल आते हैं कि अब क्लब पैसे किस तरह देंगे और so I think no one is saying it's easy. I think everyone is just really passionate ke kuch ho. And I think everybody wants the league. I think including us, including the clubs, including everybody wants the league. But it's really not PFF's job to help the clubs. It's PFF's job is to create the structure and govern the structure. That's what the job is. Haan, referees aap la sakte hain, you can go through that. But the clubs have to do their own job. Ke bhai stadium aapka ho, grounds aapke ho, aapke trainings khud ho rahi ho, coaches aapke khud hire ho. आपके प्लेयर्स को दो, सो दोज आर थिंग्स दैट हैव टू बी मैनेज्ड बाय द क्लब्स इटसेल्फ. दैट्स व्हाई डिपार्टमेंट्स हैव बीन सक्सेसफुल इन द लास्ट एक्स नंबर ऑफ इयर्स अवे बिकॉज दे हैव द रिसोर्सेज टू डू सो एंड नॉट द क्लब्स. तो फिर उसके अंदर थोड़ी साइड पे कॉन्वर्सेशन आई थिंक हम लेके जाए, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक के तो फिर एक एक मॉडल ये हो सकता है कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर, क्योंकि पीएफएफ बना रही है तो वो डिपार्टमेंट्स जिनके पास पैसा है उनको कहीं जापान वाला स्ट्रक्चर करें आपके, आप उसके फाइनेंसियर्स बन जाएं, सेम टीम एवरीथिंग, आपके पास पैसा है लगाएं अगर आप फुटबॉल में लगाना चाहते हैं, बट एक्ट एज अ क्लब एंड दैट वुड सॉल्व अ लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स. बट या एग्जैक्टली, बट टू द अदर पॉइंट इज के प्रॉब्लम इज के आई एग्री विद यू के स्पेस जो है वो कुछ, क्योंकि पाकिस्तान के अब वही बात है कि पाकिस्तान फुटबॉल के वही मसाइल हैं जो पाकिस्तान के
जो है ना सोसाइटी के मसाइल हैं, तो गुर्बत है, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, करप्शन जो कोट अनकोट लोग लफ्ज इस्तेमाल करना चाहते हैं वो है, ये सब कुछ है। तो इस स्पेस के अंदर, सब कुछ के अंदर, क्योंकि लोग इतनी बुरी तरह से फुटबॉल एक्टिविटी चाहते हैं, यू आर नाउ सीइंग के दूसरी तरफ से फुटबॉल आ रही है एक्टिविटी, वेदर यू अग्री विद इट और नॉट, पीएफएल की तरफ से फुटबॉल एक्टिविटी लाई जा रही है। एंड वी मे सिट हियर एंड टॉक अबाउट के फ्रेंचाइज लीग कैसी है कैसी नहीं है, प्लेयर कहेगा यार मुझे खेलना है, कोचेस कहेंगे मैंने कोच करना है, वो कहेंगे यार मुझे फेडरेशन, तो फॉर एग्जाम्पल फॉर वट एवर रीजन आई मे अग्री विद ऑन 100% विद यू, बट फेडरेशन जो है उसकी तरफ से सर मुझे नहीं अभी लीग नजर आती हुई आ रही, प्लेयर कह रहा है यार मैंने खेलना है, तो आई थिंक वो जो है ना दूसरी जो स्पेस को आई थिंक दूसरे लोग ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द बिग वुड यू कॉल इट डिसएडवांटेजेस ऑफ टेकिंग द लॉन्ग टर्म अप्रोच लेट्स से, क्योंकि उस लॉन्ग टर्म अप्रोच के अंदर कुछ लोग शॉर्ट टर्म के अंदर आके जो है ना उस स्पेस को राइटली और रॉन्गली, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, बट या दैट 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 No, इज व्हाई। I think you make a fair point on that. I think there is obviously, as activities going on, people want to do things and people are excited about it as well. और वो चीजें होंगी. That's part of football. And I think again, in a short way, I'll just say that you have to look at it from the right point of view. Versus, I know players want to play and they want to get that fun money, whatever they want to do. आपको coaches want to do it as well. But you have to see what is right and what is wrong, and I think in that case you have to gauge. And I know it's tempting; it's very, very tempting for players and coaches. But in the end, you have to follow what your governing body is saying.